हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों। आज मैं आपको माउंटिंग पैड चेंज करने के बारे में बताता हूँ। ये IFB की मोक्सी ड्रायर है 550। तो इसको हमें खोलना कैसे है, पहले ये अंदर गेट खोल के या फिल्टर को बाहर निकालेंगे। बाहर निकालते ही ये जो बुश है, बुश के अंदर एक क्लैंप होता है, इस क्लैंप को खींच लेंगे अपनी तरफ और खींच के छोड़ देंगे। ये देखो बाहर निकला हुआ है और यही जो है अंदर की साइड रहता है इस तरह से, ये देख रहे हो ऐसे अंदर रहता है। तो आपको इसे खींच लेना है कि पीछे का लॉक खुल जाएगा, इसको खींचे पीछे से लॉक खुल जाएगा। अब हम गेट बंद कर देते हैं और इसी साइड इसको हम फर्श पे लिटा देते हैं। गेट के साइड ही आपको फर्श पे लिटाना है। चलो हम लिटा दिए हैं। लिटाने के बाद इसमें जितना पीछे साइड स्क्रू है, इन सारे स्क्रू को हमें खोल लेना है। दो स्क्रू नहीं खोलना, बाकी सब खोल लो, खोल लेना। एक तो हाँ इनको खोलना है और इस वाले को खोल लेना है स्क्रू को, लेकिन इसको हमें नहीं खोलना है क्योंकि इससे कवर नहीं, इससे मोटर हमारी होती है, देखो। और एक पेच इसको खोल लेना है और एक पेच इसको नहीं खोलना है, यदि आपको ध्यान देना है क्योंकि ये इस पर मोटर बंधी रहती है। तो इस प्रकार से सारे हमें स्क्रू को खोल लेना है। तो इसमें आज हम आपको माउंटिंग रबर चेंज करना, हीटर चेंज करना, बेल्ट चेंज करना, तो इन सब चीज़ को आज हम बताएंगे। इसी पे आप सब कुछ चेंज कर सकते, क्योंकि माउंटिंग पैड चेंज करना, आप कैसे चेंज करना है। अगर माउंटिंग पैड ख़राब हो जाती है आपका ड्रम ख़राब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा घर घर की आवाज़ आती है, तो इसका मतलब होता है आपकी माउंटिंग पैड इस टायर का ख़राब हो गया है। अब इस कवर को हम खोलेंगे, इसके अंदर पेच है, इस पेच को निकालेंगे, इसमें बेल्ट होती है, इसको खोल के बाहर निकाल देंगे। तो इसमें जो माउंटिंग पैड अगर ख़राब होती है तो आपका जो ये टायर होता है बहुत ज़्यादा घर घर की आवाज़ आती है, बहुत ज़्यादा। अगर वो जल्दी नहीं चेंज किया गया तो फिर ड्रम आपका ख़राब हो जाएगा, आगे का फ्रंट कवर भी कट जाएगी और ड्रम भी कट जाएगा। तो ये बेल्ट उतार लेंगे हम। अब इस कवर को हमें निकालना है, देखो ये बेल्ट लगी होती है। अब इसको हमें हाथ से उठाना है, ऐसे देखो इस तरह से उठाओ, थोड़ा सा आपको बल लगाना पड़ेगा और ये आसानी से निकल जाएगा। निकल के इसको बगल में ऐसे खिसका देना है, यहाँ पे दो तार होते हैं, ध्यान रहे तार ना टूटे, कुछ इस प्रकार से आपको रखना है। रखने के बाद फिर हम चलते हैं मोटर की साइड। यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी होती है, ये देखिए, इस स्प्रिंग को हमें खींच के इस स्प्रिंग को उतार लेना है। कैसे उतारना है इसे देखो, यहाँ पे देखो इस तरह से, ये देखो हम उतार, इसको हटा लेना है। फिर हमें बेल्ट को उतार देना है, दोनों पुल्ली मोटर की पुल्ली से देखो बेल्ट लगी हुई है, इसको ऐसे डालेंगे उंगली और ये उतर गया। आपको इसी तरह चढ़ाना भी है, बेल्ट को हम बाहर करेंगे। इस प्रकार से आप बेल्ट भी चेंज कर सकते हैं और ड्रम भी चेंज कर सकते हो, हीटर भी चेंज कर सकते हो। अब हम ड्रम को बाहर निकालेंगे, बुश भी चेंज कर सकते हो। तो हम इसमें नया बुश डाल दिए थे, फिर भी इसकी जो आवाज़ थी घर घर की वो आवाज़ बंद नहीं हुई, देखो इसमें नया बुश डाला हुआ है। अब हम इसको निकाल देते हैं और ये फिल्टर को हम बाहर हटा देते हैं और ऐसे सर्विस भी कर सकते हो, बिल्कुल इसकी सफाई भी कर सकते हो। तो इसमें कई काम आप कर सकते हो। ये जो वीडियो ये देखिए, ये माउंटिंग पैड होता है, जब ये माउंटिंग पैड बिल्कुल ख़त्म हो जाता है चलते चलते, तो ये जाके सीधा काटना शुरू कर देता है, तो यही इसी को माउंटिंग पैड कहते हैं। ये देखो इसमें 5-6 लगे होते हैं, ये इसी पे हमारा ड्रम घूमता है। अगर ये कट जाता है तो भी साइड साइड बिल्कुल काट देगा, ड्रम भी ख़राब हो जाएगा और ये कवर भी ख़राब हो जाएगा। तो इसी को हमें चेंज करना है। चेंज करना बहुत ही आसान है, हम आपको दो तरीका बताएंगे। पहला तरीका ये होगा, ये देखो ड्रम को काट दिया है देखो पूरा, क्योंकि वो कटने के बाद यहाँ भी घिसना शुरू कर देता है, देख रहे हो। तो उसको बहुत ज़रूरी है माउंटिंग पैड को चेंज करना है। इसको हम ऐसे निकालेंगे, देख रहे हो ये टूट भी जाएगा। तो अगर आपका कोई पेचकस हो पतला तो बीच में लगा के आपको घुमा के बाहर निकालना पड़ेगा। मैं आपको दो तरीका बताऊंगा। कुछ तो जैसे ये देखो आसानी से निकल जा रहा है और कुछ नहीं निकलता, जो चिपक जाता है चलते चलते, और ये देखो नहीं निकल रहा है, टूट जा रहा है, फट भी जा रहा है, तो ये सही तरह से नहीं निकलता है। अब हम इसको टेस्टर की सहायता से निकालते हैं, देखो आसानी से ये निकल गया और ये देखिए ये निकल गया साफ़ सुथरा।
तो ऐसे ही लगाना है, जैसे निकालना है देखो इस प्रकार से, ये बीच में लगाए टेस्टर से और इसको निकाल लिए, और ये भी देखो ये फंस गया, नहीं निकल रहा है इसको, ये भी निकल गया, दो तीन तो निकल गए, लेकिन और निकलने के लिए ये लगभग लगभग टूट जा रहा है। तो हम इसको फिर कैसे निकालें, तो इसमें चारों साइड से देखोगे इसमें चार नट लगे होते हैं, उन नट को खोल के ये पूरा कवर ही निकाल लेना है, ताकि आसानी से माउंटिंग पैड लगाया जा सके, क्योंकि कचरा भरने के कारण माउंटिंग पैड लगता नहीं है। तो यहीं पर हम दिखाएंगे आपको, चार इसमें बोल्ट लगे हैं, ये देखो ये माउंटिंग पैड होती है, हम मार्केट से ले आए हैं, देख लो ये साफ सुथरा है। तो करीब ये तो 130 रुपए की एक माउंटिंग पैड आती है लमसम। अब देखिए इसमें हम लगभग लगभग निकाल चुके हैं, और यहाँ पे ये देखो हम एक लगा भी दिए, ये आसानी से लग गया। ये चार यहाँ पे नट लग कसे होते हैं, उसी को आपको खोलना है और ये ऊपर की कवर निकाल लेना है। ये देखो हम इसको पहले से खोल दिए हैं, इधर भी है, यहाँ भी लगा हुआ था, अब ये चारों खोल के अब इसको हम ऊपर की साइड उठाएंगे इस प्रकार से। देखो ये उठा लिए, अब हम इसको उठा लिए बाहर निकालेंगे, इसमें देखेंगे कितना डस्ट जमा रहता है। अब हम इसी साइड देख रहे हो कितनी गंदगी भरी है, इसीलिए वो माउंटिंग पैड लग नहीं रहा था। तो इसको हमें साफ़ सुथरा कर देना है, इसीलिए कहता हूँ कि इसकी सर्विस बहुत ज़रूरी है। अगर सर्विस सही टाइम से कराते रहोगे तो कम चीज़ इसमें कम पार्ट ख़राब होंगे, अगर सही तरह से सर्विस नहीं होगी तो काफ़ी पार्ट ख़राब होने के चांस रहते हैं। तो इसमें अगर ये माउंटिंग पैड ना लगाया जाए तो इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, कम से कम 2-3 हज़ार रुपये खर्चा हो सकते हैं। ड्रम भी ख़राब हो जाएगा, ड्रम जिस पर ये सामने वाला फ्रंट होगा कवर वो भी ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको माउंटिंग पैड लगाएंगे, बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आप हीटर भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि पूरा टायर ही खोल दिया गया है, बिल्कुल ये क्लीन हो गया है। तो दोस्तों इसमें जो माउंटिंग पैड ख़राब होता है तो इसमें घर घर की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर बुश भी आप चेंज करते हो, बुश चेंज करने के बाद भी अगर घर घर की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है तो समझ लेना कि माउंटिंग पैड ख़राब हो गया है, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। ये इसमें यही होती थी, घर घर की आवाज़ आती थी, ऐसे लगता जैसे कुछ घिस रहा है, तो आप तुरंत चेंज करें, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई भी जो समस्या होगी वो बिल्कुल हल हो जाएगी। तो हमने माउंटिंग पैड मंगा रखा हूँ और इसको हम चेंज करते हैं, सही टाइम से हम इसको खोल दिए हैं कुल, क्योंकि ये घिस रहा था। अब हम इसमें माउंटिंग पैड लगाएंगे, एक तो लगा दिया था आसानी से लग गया, दो भी लग गया था लेकिन और नहीं लग रहा था, इसलिए हम इसमें देखो इसको हमने ऐसे पत्ती ली, देखो माउंटिंग पैड लिया, और उस माउंटिंग पैड को आसानी से कैसे कैसे लगाने का तरीका हम आपको बताते रहेंगे। ये देखो इस पर इस दो भाग में होता है, ये देखिए इसको थोड़ा कैमरा सही नहीं लग पा रहा है, क्योंकि एक हाथ में कैमरा है और एक हाथ से ही ये कार्य किया जा रहा है। बस दोनों साइड के पत्ती को हो आपको लगाना है, ये देखिए एक भाग इधर से घुसेड़ दिया, देखो एक भाग ये और एक भाग ये डाल दिया, बस इधर हो गया। अब इसको हमें ये दबा देना है, अब आपको साफ दिख गया। इसी प्रकार से जितने भी माउंटिंग पैड हैं सब ये आसानी से बैठाना, तो इसी के ऊपर ड्रम घूमता हमारा, ये दो साइड से कटिंग होती है इसकी, और दोनों साइड से ही एक भाग ऐसे डालोगे, फिर इसको ऐसे पहनाओगे और फिर दबा दोगे, दबाने में ये आगे की जो पैड है उसको दबा दोगे। ये लग गया, इसमें पांच होते हैं, पांचों को हमें बैठा देना पड़ेगा, सही तरह से लगाना पड़ेगा। और ये देखो ये भी बैठ गया।
सही, ये भी हो गया। तो ये सही तरह से इसको आपको दबा देना है, उठना नहीं चाहिए, फिर ये जब इस पर ड्रम घूमेंगे तो ये अपने आप सही तरह से बैठ जाएगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल बैठ गया है आसानी से, हर जगह से ये फिट हो गया है, अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम इसको लगा देंगे और सही तरह से ये देखो यहाँ बैठा हुआ है, जितना भी एरिया है सब सही तरह से ये बैठ गया है। अब चलते हैं इस पर, हम इसको जहाँ था जैसे था वैसे लगा देते हैं। तो इसके पहले एक पत्ती थी, जो पत्ती को हम सही तरह से लगा दिए हैं, खोलते समय ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब हम माउंटिंग कवर को इसी के अंदर डाल के और फिर नट बोल्ट से इसे हम टाइट कर देंगे। ये हमारी मोटर होती है, इसको बिल्कुल अगर इसमें कचड़ा उचड़ा तो बिल्कुल आपको साफ़ कर देना पड़ेगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देना है, ताकि इसमें कहीं भी अगर स्पार्क होता है तो आग लगने के चांस ना रहें। ये इसमें एक पत्ती थी, इसको हम सही तरह से बैठाएंगे। ये देखो ये लगी हुई थी, इसके नीचे भी थोड़ा डस्ट है, इसको साफ़ कर देंगे। तो इसका हम पूरा पार्ट ही खोल दिए हैं, अब इसमें कुछ नहीं बचा, मोटर बची हुई है और कुछ नहीं बचा। अब इसको हम आप बैठाएंगे, इसको बैठाने के लिए इधर साइड से हम इसको उठा के और ये जहाँ पे गैप होता है गैप की तरफ इसका हम जो मुंह होता है उसको बैठा देंगे। और ये बैठ गया है, अब हम चलते हैं इसको माउंटिंग रबर कपड़ को बैठा देते हैं। और ये आपको यहाँ पे चार होल हुए थे, उसी होल के अंदर बैठा के फिर इसको बोल्ट से कस देना है बढ़िया से, वार्सल और बोल्ट दोनों मिला के इसको टाइट कर देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम जो भी वीडियो बनाते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल करके बनाते हैं और आपको समझाते हैं ताकि आपको यह समझ में आए। तो इसी साइड ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि जो एक चौड़ी पत्ती है वो हीटर साइड होती है, बैठा दिए बिल्कुल। अब इसको हम स्क्रू से बिल्कुल टाइट कर देंगे। चलिए हम वार्सल लगा के फिर बोल्ट सेट कसते हैं। और ये हो गया कस उठा और फिर दूसरे पे भी हम वार्सल लगाते हैं और इसको हम यहाँ से कस देते हैं, दो हो गए। अब फिर हम चलते हैं तीसरे की तरफ, तीसरे में भी एक वार्सल और इसको हम बोल्ट से भी कस देंगे। और ये टाइट हो गया, अब लास्ट रह गया, लास्ट को भी हम टाइट कर देंगे। अब इसको पहनाने के बाद इसको बढ़िया से हम टाइट कर देंगे, ये लूज नहीं होना चाहिए। और इसी माउंटिंग पैड पे ड्रम हमारा घूमता है, जब भी हम ड्रम को घुमाएंगे ना तो इसी माउंटिंग पैड पे घूमेगा, क्योंकि इसी के ऊपर ये स्लिप करता है। क्योंकि जो कटना होता है चलते समय जो घिसता है यही माउंटिंग पैड ही घिसता है, इसीलिए इसको सही समय पे आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर सही समय से नहीं चेंज करते हैं तो इसकी जो कवर होगी, जो ड्रम के नीचे कवर, वो बिल्कुल कट जाएगी, फिर वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देना पड़ेगा। तो ये दोस्तों इसको हम टाइट कर दिए हैं, देखो माउंटिंग पैड भी अच्छी तरह से लग गई है, ये देखो सब विधिवत इसको हम कार्य कर दिए हैं। अब चलो हम ड्रम को इसके अंदर डालते हैं और मशीन को पूरी तरह से जैसे खोले थे उसी से बांधना है। ये हम ड्रम को विधिवत बैठा दिए हैं, बैठाने वाले बार राउंड से इसे घुमा देते हैं। देखो ड्रम सही तरह से घूम रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, इसको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है।
तिरछा तो नहीं है, नहीं बिल्कुल सही है ये। ड्रम बैठाने के बाद आपको तीन चार राउंड इसको चला के चेक कर लेना पड़ेगा। अब हम बेल्ट को चढ़ाएंगे, अगर बेल्ट ख़राब हो तो आपको बेल्ट को चेंज कर देना पड़ेगा। तो हम इसी एक वीडियो में हर चीज़ चेंज करने का हम बता दिए हैं। ड्रम भी चेंज कर सकते हो, बेल्ट भी चेंज कर सकते हो, हीटर भी चेंज कर सकते हो, टाइमर भी चेंज कर सकते हो, मोटर भी चेंज कर, तो हर पार्ट इसका चेंज कर सकते हो आप। अब हम बेल्ट को चढ़ाएंगे, बेल्ट को इसी साइड मोटर की साइड इसको अंदर डालेंगे। ये देखो इस तरह से जो इसमें खांचा होगा वो ड्रम की, जो इसमें खांचा कटा होता है उसको हम ड्रम से सटा रहेगा। और ये देखिए इस प्रकार से हम इसको सही करके फिर मोटर की साइड, देखो पहले बड़ी पुल्ली के ऊपर ले जाना है, फिर छोटी पुल्ली पे घुमा के इसको ऐसे टाइट कर देना। देखो सही तरीके को बहुत आसानी दिख रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि एक हाथ में कैमरा और एक हाथ से कार्य नहीं हो पाता सही तरह से, फिर भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देखो चढ़ गई बेल्ट, इसी तरह आपको बेल्ट चढ़ाना है, सही तरीका मैं आपको बता दिया हूँ। इसी तरह ये बेल्ट को चढ़ेगा और फिर हम ड्रम को घुमा लेंगे, चेक कर लेंगे कि बेल्ट उतर तो नहीं रही, फिर बेल्ट सही तरह से अपने स्थान पर रहेगा। फिर हम इसमें स्प्रिंग लगा के इसको टाइट करेंगे। स्प्रिंग लगाने को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि लूज होगा तो बेल्ट उतर जाएगा, और इसलिए इसको टाइट करके रखना है जितना टाइट हो सके। टाइट करके इसी खांचे में इसको हम फंसा दिए हैं और ये बिल्कुल टाइट हो गया है। तो ड्रम घुमा रहे हैं, बिल्कुल बेल्ट टाइट है, हमें और ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए बेल्ट चढ़ा हुआ है इस प्रकार से, ये स्प्रिंग देखो लग गई है। तो अब हम इसके ऊपर जो कवर थी, कवर को हम लगाएंगे। दोस्तों इसमें नया बुश, हम दोनों मेन फीमेल दोनों बुश को डाल रखे थे क्योंकि घरघरा की आवाज़ नहीं, जब इसकी बंद हुई तो हम फिर इस माउंटिंग पैड को चेंज किए। अब ये बिल्कुल इसकी आवाज़ सही हो जाएगी, जो खर खर की आवाज़ आती है कुछ नहीं। इसमें जितने स्क्रू लगे होंगे सब स्क्रू को हमें टाइट कर देना है और फिर इस पुल्ली के ऊपर ये बेल्ट हमें चढ़ा देनी है। चलो हम बेल्ट भी चढ़ा दिए हैं, कवर लगा देते हैं और यहाँ पे हम पेच को टाइट, जितने भी इसमें स्क्रू आप खोले थे सारे स्क्रू को टाइट कर देना है। तो दोस्तों ये टाइट हो गया है और हम वाशिंग इस आईएफबी मॉक्सी ड्राइव को उठाते हैं और फिर चला के चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये चल रहा है देखो। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।